नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 को लेकर। काफी सवाल बीएसटीसी के विद्यार्थियों के यहां पर आ रहे थे काफी समय से, जब से लिस्ट आई है। फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ को लेकर भी बात, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, सेकंड लिस्ट का क्या कट ऑफ रह सकता है, अपवार्ड मूवमेंट हुआ, इंटर्नशिप हुआ, ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि बीएसटीसी के विद्यार्थियों के चल रहे हैं। सभी को सम्मिलित रूप से मैंने यहां पर इसमें शामिल किया है, एक वीडियो बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, फिर भी कोई कंफ्यूजन रहा तो मुझसे बात कर लेंगे। बात करते हैं बीएसटीसी से रिलेटेड जानने के, पूरा वीडियो देखना है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सवाल रहने वाला है। बात करेंगे बीएसटीसी से रिलेटेड। देखो, फर्स्ट लिस्ट जो आई तो आई और बहुत देर बाद आई, यहाँ पर ध्यान रखें, इतना इंतजार कर दिया और फिर आई तो ऐसी आई, ये ध्यान रखें। जब लिस्ट आई तो सारे होश उड़ गए, मतलब कि इतनी भी कट ऑफ जा सकती है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा था कि बीएसटीसी का जो कंपटीशन रहा 2023 में, अधिकतर लोगों के दिमाग में बीएसटीसी यहाँ पे बैठा हुआ था, दिमाग में बिठा रखा था कि बीएसटीसी करनी है, चाहे वो कहीं से भी करें। ध्यान रखें स्पेशल बीएसटीसी आया तो भी वहां पे नोटिफिकेशन में बहुत से लोगों ने मतलब कि उसमें रुचि दिखाई, यहाँ पर बीएसटीसी आया और अदर स्टेट बीएसटीसी की बात करूं वहां पर भी लोगों ने काफी रुचि दिखाई हुई है। बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान के इस बीएसटीसी के बारे में, तो फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ है लगभग ये है जो कट ऑफ है, मैंने उन विद्यार्थियों से देखी है, ध्यान रखें यह ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, लेकिन यह विद्यार्थी जैसे मैंने पहले जो लिस्ट आई थी तब वहां पर मैंने कहा था कि आपके कितने नंबर आए और कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिला अपनी कैटेगरी के हिसाब से, थोड़ा सा आइडिया आप मुझे देंगे। तो वहां से लगभग जितने कमेंट किए थे, लगभग एवरेज जो निकल के आया वो इस हिसाब से आ रहा है कि जनरल का फर्स्ट लिस्ट में लगभग 408 से 410 के आसपास हुआ है, फीमेल का 405 प्लस ऊपर हुआ है, ध्यान रखें। ओबीसी की बात करूं 400 प्लस 380 प्लस, ध्यान रखें फीमेल के लिए। एमबीसी का 398 से 400 365 के प्लस ऊपर हो चुका है, ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस में 390 से 395 365 प्लस, एससी का 385 से, ध्यान रखें ये मेल के लिए, और 355 पे फीमेल का लगभग हो चुका है। एसटी की बात करूं 375 से 380 पर हो गया, 345 प्लस पे फीमेल का हो गया। अब काफी लोग कहेंगे, एक बात जरूर निकल के आएगी, काफी लोग कहेंगे, देखो कोई बोलेगा कि 390 नंबर थे मेरे एससी में, लेकिन आप तो 385 बता रहे हैं, मेरा तो आया ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या डिपार्टमेंट ने गफला किया ऐसा कुछ? देखो भैया, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कट ऑफ आती है कभी भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं आती, वो डिपेंड करता है कि आपने चॉइस क्या भरी है। ध्यान रखें कोई विद्यार्थी बीएसटीसी अपने जिले से करना चाहता है, कोई विद्यार्थी बीएसटीसी पूरे राजस्थान में कहीं भी कॉलेज मिल जाए तो उसकी प्रायोरिटी अलग चीज होती है, वहां की कट ऑफ अलग देखने को मिल जाएगी, इस तरीके की चीजें हैं, इसलिए कट ऑफ में अंतर देखने को मिलता है, कैटेगरी वाइज भी अंतर देखने को मिलता है। ध्यान रखें तो काफी चीजें हैं ध्यान रखें जो आपको देखने को मिलेगी। तो ये बातें कि लगभग इसी के आसपास आपका रहा है। अब बात करते हैं जो सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट ये ध्यान रखें, फर्स्ट लिस्ट के बाद में अभी अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपवार्ड मूवमेंट यानी ऊपर की ओर जाने का, जिनको कॉलेज मिला है, ध्यान रखें जिनको जो कॉलेज अलॉट हो चुका है, अपवार्ड मूवमेंट वही करवा सकता है जो फर्स्ट लिस्ट की जो प्रोसेस कंप्लीट होती है उसको कर लेगा। ध्यान रखें उसके बाद में उसको ऑप्शन मिलता है अपवार्ड मूवमेंट का, थोड़े दिनों में नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो देखने को मिल जाएगा चैनल पर। ध्यान रखें क्या करना होता है भैया अपवार्ड मूवमेंट में, आपने मान लो कि 10 कॉलेज भरी थी, ध्यान रखें आपको पांचवें नंबर की कॉलेज मिल गई, आप संतुष्ट नहीं है, ध्यान रखें लेकिन आपको लगता है पहले दूसरे तीसरे चौथे में से मिलना चाहिए, तो अपवार्ड मूवमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले दूसरे तीसरे चौथे में से अगर सीटें खाली रही तो आपको देखने को मिल जाएगी, नहीं तो पांचवें नंबर की तो रहने वाली है, नीचे नहीं जाएगा। ध्यान रखें इस तरीके का अपवार्ड मूवमेंट आएगा, अभी उसमें समय लगने वाला है 5 से 7 दिन, ध्यान रखें जो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर अपवार्ड मूवमेंट आएगा 5-7 दिन का, फिर उसके बाद में क्या रहेगा अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा कि कितने लोगों ने चाहा कि मुझे कॉलेज बदलनी चाहिए। ये ध्यान रखें कोई विद्यार्थी फर्स्ट लिस्ट में इधर पहले नंबर का कॉलेज चुन रखा था, उसको जब काउंसलिंग हुई पहले नंबर का कॉलेज मिल गया, अब उसमें क्या अपवार्ड मूवमेंट होगा भाई, उससे ऊपर क्या जा सकता है। इधर दूसरा बात करूं, कोई कर रखा है कि राजस्थान, पूरे राजस्थान का मैंने सेलेक्ट किया है, कहीं पे भी मिल जाए, कॉलेज से संतुष्ट नहीं है पूरे राजस्थान में कहीं मिला, तो उसके आसपास अपने एरिया के आसपास अगर आपकी सीटें खाली रही आपके कैटेगरी वाइज, ध्यान रखें तो आपको मिल सकता है, नहीं तो वो तो रहने वाला है। ध्यान रखें इस तरीके के सवाल जो अपवार्ड मूवमेंट से रिलेटेड है, नोटिफिकेशन जब आएगा डिटेल से मैं समझा दूंगा। ये ध्यान रखें अपवार्ड मूवमेंट के लिए फर्स्ट लिस्ट का जो प्रोसेस होता है कंप्लीट करना अनिवार्य होता है और आप सभी ने कर लिया होगा जिसने एडमिशन ले लिया। ध्यान रखें सवाल आए थे बहुत से, वो मैंने सारे इंस्टाग्राम पर जवाब दे दिए थे। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, ये मान के चलिए अभी 15 दिन तो नॉर्मल लगने वाले हैं, ध्यान रखें मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बीच में अपवार्ड मूवमेंट आएगा तो अपवार्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी सेकंड लिस्ट के साथ में आता है और सेकंड लिस्ट भी तभी आएगी। ध्यान रखें तो अभी इसमें समय लगने वाला है, बीच में अपवार्ड मूवमेंट बढ़ेगा नोटिस भी, ध्यान रखें ठीक है। ये बात होगी सेकंड लिस्ट की, अपवार्ड मूवमेंट की बात होगी। बात करते हैं इंटर्नशिप से रिलेटेड,
इंटर्नशिप को रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया हुआ है भैया, मैंने बताया आपको पहले भी डेली एजुकेशनल अपडेट्स के तहत मैंने शेयर करता रहता हूँ सारी चीजें। इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ भैया, इस बार बीएड और बीएसटीसी वालों पर ये मान के चले कि लाइन खींची हुई है बहुत अच्छे तरीके से, कि जो फर्जीवाड़ा देखने को मिलता था मिली भगत रहती थी स्कूल और विद्यार्थी की, कि भाई इंटर्नशिप में जाना नहीं होता था ध्यान रख के एक साथ, मतलब कि उनको बोल देते भाई मैं एक बार अटेंडेंस हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है, वो सारी चीजें अब नहीं हो पाएंगी। यहां पर इस पर लगाम लगा दी है ध्यान रख के डिपार्टमेंट्स ने, और यहां पर कहा गया है कि भैया बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक तो हर कॉलेजों में लगभग लगभग देखने को मिलता है ध्यान रखिए आजकल तो चालू कर दिया। दूसरा मैं बात करता हूं कि यहां पर जो इंटर्नशिप जो आई है, इंटर्नशिप में क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी साला दर्पण पर ध्यान रखिए। अब साला दर्पण जो ये वर्ड ये देख लीजिए, इस पे किसका अटेंडेंस होता है, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं उनका अटेंडेंस होता है ध्यान रखिए यहां पर। अब जब आप इंटर्नशिप वहां पे अटेंड करते हैं तो रजिस्टर बनता है ध्यान रखे, अब पढ़ाने लग जाते हैं इंटर्नशिप में ध्यान रखे, वहां पे रजिस्टर में पहले हाजिरी होती थी ध्यान रखे, तो रजिस्टर में तो बाद में साइन हो जाते थे आराम से करके आ जाते थे एक बार में, लेकिन अब वो चीजें क्या है साला दर्पण पर डेली के हिसाब से होंगी और रेगुलरली रहने वाली है ध्यान रखे। जब आपकी इंटर्नशिप चालू होगी मार्च के महीने में आसपास रहेगी ध्यान रखे, इसलिए कह रहा हूं तो इंटर्नशिप में जब जो स्कूल चुनने वाले हैं बहुत सोच समझ के चुनना है ध्यान रखे, जहां पर आप अच्छे तरीके से पढ़ा सके मैनेज कर सके चीजों को ध्यान रखे, रेगुलरली आपकी अटेंडेंस हो सके, इन सभी चीजों के हिसाब से आपको भरनी है ध्यान रखे। इंटर्नशिप से जब नोटिस आएगा तब भी वीडियो देखने को मिलेगा, तो ये बीएसटीसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो था। अब बात करते हैं कि सेकंड लिस्ट जो कट ऑफ रहने वाली है ना, यह है कितनी जाएगी भैया, इसका सवाल है लगभग अधिकतर जिनका नंबर नहीं है उनका यही सवाल है कि कितना चांस मुझे लगता है ध्यान रखे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये जो कट ऑफ आपको फर्स्ट लिस्ट की देखने को मिल रही है ना, इससे मान के चलिए ज्यादा नहीं, आप मात्र बस इतना सा अंतर रहेगा 5 से 10 नंबर का, मुझे नहीं लगता 10 नंबर से ज्यादा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बीएसटीसी में जो विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई है ना वो बीएसटीसी के एडमिशन के पीछे पड़ा हुआ भी है और उसने बीएसटीसी में सारी प्रोसेस कंप्लीट कर भी ली है, क्योंकि इस बार इतने सवाल अधिक नहीं है जानने के बीएसटीसी के विद्यार्थियों के, उनको नॉलेज हो चुके हैं लगातार वो वीडियो देख रहे हैं, उनको सारी प्रोसेस का पता है कि बीएसटीसी में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, उनको बस कॉलेज की सीट चाहिए, कहीं भी गलती नहीं करना चाहते। यहाँ पर लगभग लगभग सभी लोगों ने काउंसलिंग जिनका भी अलॉट हुआ है ध्यान रखे कॉलेज लेना चाहते हैं बिल्कुल इस तरीके से, मुझे नहीं लगता कि 10 नंबर से भी ज्यादा भी कट ऑफ डाउन जाएगा ध्यान रखे, इतना ही आसपास रहने वाला है जो सेकंड लिस्ट में आएगी। मान लो यहाँ पर 408 से 410 में हुआ है तो ये मान के चलिए 395 से 400 रह जाएगा ध्यान रखे, इतना ही नीचे आएगा, ज्यादा अधिक आवश्यकता नहीं आने की ध्यान रखे। तो जैसे ही आने वाले समय में अपडेट्स होंगी बीएसटीसी से रिलेटेड आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, आपको सवाल है बीएसटीसी से विद्यार्थियों का ध्यान रखे तो अपना सवाल लिख देंगे भैया आपको जॉब मिल जाएगा, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको जॉब मिलेगा, 24 घंटे के अंदर आपको जॉब देखने को मिल जाता है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से मुझसे जुड़ जाएंगे, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।